वेलकम टू एमडीसी लर्निंग स्टैंडर्ड एसवाई बीकॉम सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड आवर टुडेज टॉपिक इज रिडम्प्शन ऑफ डिबेंचर्स. स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी डन विद इंट्रोडक्शन ऑन रिडम्प्शन ऑफ डिबेंचर. मैंने आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए थे रिगार्डिंग रिडम्प्शन, यानी अगर आपको डिबेंचर होल्डर्स का पैसा रीपेड करना है तो वॉट आर द प्रोसीजर एंड वॉट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन विच वी मस्ट हैव टू फॉलो. करेक्ट, वो हमको फॉलो करना ही है. उसके अलावा फिर टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. लेट अस सी रीड एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर वन. जब क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद समझ जाएंगे देन ओनली वी कम टू नो दैट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ ABC Corporation has outstanding 50,008% debentures. 50,008% debentures means what? 50,000 is the number of debentures and 8% debenture, ये आपके debenture का नाम है. ठीक है, ये आपके debenture का नाम है. 50,008% debentures of rupees 100, 100 रुपए का एक, issued in 2005, due for redemption on 31st March 2015. 10 ईयर के बाद ये डिबेंचर्स रिडीम करने हैं. यानी एबीसी कॉर्पोरेशन हैज आउटस्टैंडिंग 50,008% डिबेंचर्स, 100 रुपए का एक है, 2005 में इशू किया एंड ये रिडम्पशन अपने को कब करना है? 31 मार्च 2015 को रिडम्पशन करना है. इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट अर्निंग 10% per annum interest on 30th April 2014. ये क्या है? फिर से पढ़ते हैं. It was decided to invest the required amount in the investment. ठीक है? यानी investment में, investment कौन सा? Obviously, वो जो मैंने आपको बताया था, rules regulation जब सिखा रही थी. ठीक है, वीडियो नंबर वन रेफर कर लो नहीं पता तो. एक DRI वाला इन्वेस्टमेंट अपने को कंपल्सरी करना होता है ना, तो वही DRI वाला इन्वेस्टमेंट वो करना है. उसके अलावा हमारे को 10% का इंटरेस्ट पर एनम वो मिलने वाला है उसी DRI पे. ठीक है, फिर हाउ मच अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व शुड बी क्रिएटेड बिफोर द रिडम्पशन बिगिन, दैट वी ऑलरेडी नो है ना. क्या DRR पूछ रहा है ना इसमें कि कितना DRR करना पड़ेगा, तो भाई हमको पता है कि DRR कितना करना पड़ता है. कितना करना पड़ता है? DRR क्रिएट करने के लिए अपने को हर साल 25%, हर साल भी नहीं, लाइक जिस साल आप रिडम्पशन करने वाले हो उस साल 25% ऑफ द टोटल, 25% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ योर डिबेंचर शुड बी treated as a DRR. 25% of the total value of your debenture should be treated as your DRR. Now see, pass the journal entries regarding redemption of debentures. Redemption of debentures के लिए अपने को journal entry pass करनी है. ठीक है, तो चलो redemption of debenture करना शुरू करेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अपने को क्या prepare करना होता है बच्चों? Solution prepare करना है. ठीक है, solution prepare करना है. Solution में चलो लेट अस स्टार्ट विथ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए? सबसे पहले पता होना चाहिए. ठीक है, कि ना कितने डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं. सो पहले डिबेंचर का नाम क्या है? 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीस 100 ईच, ठीक, इज इक्वल टू कितना होने वाला है ये? ठीक है, इज इक्वल टू ये ले लो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 ईच. ठीक है, तो कितना हो जाएगा कैलकुलेटर पे? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 ईच, तो इट विल गिव यू 50 लैक्स. ठीक है, कैलकुलेशन करके देखते रहना बच्चों. 5 जीरोस, ये हो गए 50 लैक्स. चलो अब क्या करना है? अगली चीज ये कि ये डिबेंचर का रिडम्पशन पार पे है, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे है? ऑब्वियसली पार पे है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रीमियम की बात नहीं की है, तो पार पे रिडम्पशन करना है. एंड इट वाज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट इन अर्निंग 10% इंटरेस्ट पर एनम ऑन 30th अप्रैल 2014. पर एनम का इंटरेस्ट अपने 30th अप्रैल 2014 को मिलने वाला है. नाउ यहाँ पे
ये जो 50 लाख का डिबेंचर है उसके ऊपर पहले डीआरआई क्रिएट करेंगे, ठीक है? उसके ऊपर पहले डीआरआई क्रिएट करेंगे। डीआरआई बोले तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 15% ऑफ द टोटल डिबेंचर, 15% ऑफ द टोटल डिबेंचर। तो कितना होने वाला है, ब्रैकेट ओपन करके देख लो, 50 लैक्स है। 50 लैक्स का 15% करके देखो, 50 लाख का 15% कितना आता है, 50 लैक्स इंटू 15%, इट्स 7,50,000, ठीक? अब ये 7,50,000 का आपका डीआरआई क्रिएट आएगा। हाँ, दिस डीआरआई इज अर्निंग इंटरेस्ट, अर्निंग इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट ऑफ 10%, ठीक है? अपने पास दे आर अर्निंग इंटरेस्ट हाउ मच, दे आर अर्निंग द इंटरेस्ट ऑफ 10%, 10% का इंटरेस्ट इनको मिलने वाला है, ठीक है? तो चलो लगा दो ऑफ 10%, सो इट्स 10%, सो कितना हो जाएगा, 7,50,000 के ऊपर 10% मिलेगा। पर ये जो 10% मिलेगा वो कब तक के लिए मिलेगा वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? कैसे कैलकुलेट करोगे, 7,50,000 की वैल्यू है, 7,50,000 पे, 7,50,000 की वैल्यू है, 7,50,000 पे आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 11 महीने के लिए। कैसे पता चला आपने को 11 महीने के लिए मिलेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिडम्पशन कब करना है, रिडम्पशन कब करना है, देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा, 31 मार्च 2015 को रिडम्पशन है, ठीक है? और 31 मार्च 2015 को रिडम्पशन है, तो उसके पहले जब आपने डीआरआई क्रिएट किया होगा, उसके पहले जब आपने डीआरआई क्रिएट किया होगा तो उस डीआरआई के पीछे 10% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और पूरा साल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 31 मार्च को रिडम्पशन है, तो आपको 30th इंटरेस्ट ऑन 30th अप्रैल 2014, ठीक? कैलकुलेशन कर लो, मार्च के बाद यानी 31 मार्च 2015, तो आपका जब साल शुरू हुआ था, साल जब शुरू हुआ था तो आपने ये इन्वेस्टमेंट कभी किया था, 30 अप्रैल को ये इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है? तो 30 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया था, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की तारीख गई, 1 अप्रैल को नया साल शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2014 को न्यू ईयर शुरू हुआ, ठीक है? तो 1 अप्रैल को आपने ये डीआरआई क्रिएट नहीं किया, ठीक? आपने कब किया ये डीआरआई क्रिएट, 30 अप्रैल को किया, यानी अप्रैल मंथ तो पूरा चला गया, ठीक है? कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है? कैलकुलेशन देखो, 3, 6, 9, 10, 11, 11 महीने, तो मुझे 7,50,000 पे 10% का इंटरेस्ट मिलने वाला है फॉर 11 मंथ्स, ठीक? मैं ये कैलकुलेट करूंगी, मुझे 7,50,000 पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 11 मंथ्स, ठीक है? यहाँ पर भी मैं ब्रैकेट में कैलकुलेशन डाल देती हूँ, इधर यहाँ पे लिखेंगे फॉर 11 मंथ्स, क्लियर? दिस इज फॉर 11 मंथ्स, ये हो गया अपना। अब ये कैलकुलेशन कर लो कितना आ रहा है, 68,750, अपने को कितना आ रहा है, 68,750, आप भी कैलकुलेशन करके देखते रहना, 68,750, दिस विल बी माय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 11 मंथ्स, सो लेट अस स्टार्ट, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में, अच्छा इसके बाद एक और चीज कैलकुलेशन में बनानी रह गई, कौन सी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, DRR, है ना? क्या, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट,
डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट ये कितना करते हैं एट द रेट 25% ऑफ टोटल डिबेंचर्स टू रिडीम। ठीक, टोटल डिबेंचर्स रिडीम, ब्रैकेट ओपन किया, 50 लाख के डिबेंचर्स है, 50 लाख्स मल्टीप्लाई बाय 25%, देख लो, मल्टीप्लाई बाय 25% इज इक्वल टू, सो हियर इज 50 लाख्स मल्टीप्लाई बाय 25, इट्स 12,50,000। 50,000 का DRR क्रिएट करना है। Now let us go for the journal entries. Serial number के बदले अब हमारे पास डेट दिया है, तो yes of course we are going to write over your date. ठीक है, चलो let's start with. अभी first date, सबसे पहले वाली date कौन सी वाली आएगी? 2014 में 30th अप्रैल को जो आपने investment किया था उसकी entry. ठीक है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसकी एंट्री, यानी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो योर डिबेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे इसके लिए? बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम, या फिर बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड एट डेट 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब चलो 15% ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया था आपने, कितना वैल्यू मिला था? 7,50,000। राइट साइड पे भी सेम वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, 7,50,000, ये हो गया। अब यही इन्वेस्टमेंट आपका इन कैश होगा, यही इन्वेस्टमेंट आपका इन कैश होगा। बच्चों इन्वेस्टमेंट इन कैश होगा कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली रिडम्पशन करने जा रहे हो, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन वाला वीडियो देखो आपको पता चलेगा। अब इन्वेस्टमेंट जो अपन इन कैश करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अच्छा, कभी इन कैश करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, जब रिडम्पशन करने जा रहे हैं तब इन कैश करेंगे। रिडम्पशन कब करने जा रहे हो? लास्ट दिन 31 मार्च 2015 को, सो 2015 और 31 मार्च, ठीक है, ये आ गई मेरी डेट 31 मार्च 2015। चलो डिबेंचर्स टू बी रिडीम, अब ये डिबेंचर को द इन्वेस्टमेंट टू बी इन कैश, इन्वेस्टमेंट टू बी इन कैश, इन कैश करोगे पैसा आएगा। ठीक है, पैसा आएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, और आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, पैसा आएगा अच्छी बात होगी, और आप लिखने वाले हो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहां से पैसा आएगा? एक DRI आएगा और इसी DRI के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तो हम लिखेंगे टू डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक, और उसके बाद लिखेंगे टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न अकाउंट, या फिर इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टू इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्लियर? अब आपको क्या मिला है? दो चीजें, एक मिलेगा पैसा, दूसरा मिलेगा आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 750,000 का आपका इंटरेस्ट, सॉरी टोटल इन्वेस्टमेंट, 750,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस 68,750, ये जो ऊपर आपने अभी अभी कैलकुलेट किया था बच्चों, 68,750, ये दोनों पैसे आपको मिलेंगे। सो 7,50,000 प्लस 68,750 गिव्स यू 8,18,750, इतना आपको रिसीव होगा। ठीक है, दो सेक्शन में इतना आपको रिसीव होगा। उसके पीछे इन्वेस्टमेंट कितने का है? 7,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, और इंटरेस्ट कितने का अर्न हुआ? 68,750। ठीक है, चलो अब करेंगे मेन पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, दैट इज रिडम्पशन।
लेट अस स्टार्ट विथ क्रिएशन ऑफ DRR. नाउ विच डेट, डेट कौन सी डालोगे? सो दैट विल ऑल्सो बी योर लास्ट डेट, है ना? मार्च 31 वाली ही डेट आएगी, क्योंकि मार्च 31 को आपने एनकैश किया और क्वेश्चन में भी हमको मार्च 31 की ही डेट बोली है जिस दिन हमारा रिडम्पशन होने वाला है. तो जिस दिन रिडम्पशन होने वाला है उसी दिन अपने को क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च DRR क्रिएट करना है. ठीक है, सो जर्नल एंट्री. DRR क्रिएट करने के लिए अमाउंट कहाँ से लाओगे, पैसे कहाँ से? तो बेटा मैंने आपको बताया है कि इधर डिविजिबल प्रॉफिट का जो भी लिस्ट है उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज कर लो या फिर आप आपके जनरल रिजर्व को यूज कर लो, चलेगा. सो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. ठीक है, और इसका नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे बीइंग DRR क्रिएटेड एट द रेट 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड. जितने भी डिबेंचर्स ये रिडीम्ड होने वाले हैं उसका 25% आपको DRR क्रिएट करना है. ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक नरेशन रह गया था. सो हियर इट इज बीइंग इन्वेस्टमेंट या फिर बीइंग DRI इन कैश, बीइंग DRI इन कैश ये लिख दिया हमने. चलो अभी नेक्स्ट इज वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे हम लोग. मैंने आपको बोला 25% ऑफ द टोटल फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम, तो 50 लाख के डिबेंचर्स हैं जो रिडीम होने वाले हैं और 50 लाख के ऊपर 25% कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 12,50,000 ऑन द डेबिट साइड एंड अगेन द सेम वैल्यू ऑफ 12,50,000 ऑन द क्रेडिट साइड. चलो अभी सेम 31 मार्च, है ना, 31 मार्च अपने को वापस से लेना है और 31 मार्च के दिन ही हमको क्या करना है, रिडम्पशन के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है. सो वंस अगेन 31 मार्च, क्या 31 मार्च रिडम्पशन की एंट्री लिखेंगे. 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. 8% डिबेंचर नाम है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. ठीक है, 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ये जर्नल एंट्री आपको लिखनी है. किसके लिए? डिबेंचर्स जो आपने रिडम्पशन के लिए रखा है उनके लिए. नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन डिबेंचर्स डिबेंचर होल्डर्स, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन डिबेंचर होल्डर्स, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन डिबेंचर होल्डर्स. चलो 8% डिबेंचर्स लगा दो यहाँ पे. कितने हैं 8% डिबेंचर्स? लैक्स. एट ओवर ईयर द वैल्यू ऑफ 50 लैक्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो 50 लैक्स. ठीक है, अब यही सेम अमाउंट हमको पेड करनी है. किसको पेड करनी है? डिबेंचर होल्डर को. तो पेमेंट की एंट्री आएगी. सी बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, तब तक ही आपके लिए सिंपल है जब तक आप खुद से इसको डिफिकल्ट नहीं बनाओगे. ठीक है, तब तक आपको ये जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल लगेगी. अब डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है, पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने के लिए क्या, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. और नरेशन में क्या लिखोगे?
बीइंग डिबेंचर होल्डर्स पेड। ठीक, आपने उनको पैसे दे दिए, कितना दोगे? जितना रिडेम्पशन करना है उतना ही देंगे, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं, 1 रुपये भी कम नहीं। और सारे डिबेंचर होल्डर्स हैं तो टोटल वैल्यू पेड करना है। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को ना प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन समझ में आया, उनको 110% ये वाला भी समझ में आएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट लास्ट एंट्री। मैंने बोला जब रिडेम्पशन खत्म हो जाता है, रूल्स रेगुलेशन फर्स्ट वाला वीडियो देखोगे ना उसमें समझ में आएगा, जब रिडेम्पशन खत्म हो जाता है तो हम DRR की टोटल वैल्यू को रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हैं। कौन से रिजर्व्स में? जनरल रिजर्व में, कंपल्सरी। ठीक है, तो लास्ट एंट्री हम लोग लिखने वाले हैं कौन सी, 31 मार्च को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और इसके लिए नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन लिखोगे बीइंग ट्रांसफर ऑफ DRR और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बीइंग ट्रांसफर ऑफ DRR ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, बींग रिडम्पशन, बींग ट्रांसफर ऑफ DRR ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स का रिडम्पशन हुआ तो आपने DRR को ट्रांसफर कर दिया। कितना था DRR? 12,50,000। क्रेडिट साइड पे भी सेम एंट्री, 12,50,000। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? अगर आपको क्वेश्चन सोल्यूशन समझ में आया तो अच्छी बात है। सेम क्वेश्चंस आगे भी आने वाले हैं, आई टेल यू कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगी, पर उसके पहले मुझे चाहिए कि आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। जितना अच्छा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की, उतना अच्छा आपको ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स यानी हेल्पफुल होगा फ्यूचर में भी। ठीक है बच्चों, सिर्फ SY में ही नहीं, PYBCOM में भी आपको ये हेल्पफुल होगा ये चैप्टर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्वेरी, डिफिकल्टी, डाउट, परेशानी कुछ भी है तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं। 6 एंट्री है बच्चों, 6 की 6 एंट्री कैसे परफॉर्म करनी है वो सब मैंने आपको सिखाया। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपके पास डाउट, डिफिकल्टीज आती हैं तो ऑब्वियसली यू कैन मैसेज मी इन पर्सनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो।